वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पकौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। पकौड़ी टेस्टी और हेल्दी भी बनाएंगे और कुरकुरी भी। चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम चना दाल लिए हैं। हम चना दाल का पकौड़ी बनाएंगे। चना दाल पहले 4 से 5 घंटा भिंगो लिए हैं। अच्छी तरह से फूल गया है। एक तोड़ के दिखा देते हैं। दाल एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है, तब एकदम क्रिस्पी पकौड़ी बन के तैयार होगा। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट अनुसार। इसमें ऐड किए हैं लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही मिलाना है। थोड़ा मसल मसल के मिला लेंगे। हम पानी एकदम नहीं डालेंगे, ऐसा ही रखना है। इस तरह से रखने से बढ़िया पकौड़ी बनेगा। इस तरह से बनाना है, सूखा ही बनाना है, पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से बनाना है। देखिए अब इसे हम तल लेंगे। इस तरह से दबा के पकौड़ी बनाएंगे। गोल नहीं बनाएंगे, थोड़ा चिपटा ही बनाएंगे, तो बढ़िया पकौड़ी बनता है। इस तरह से बनाने से क्रिस्पी पकौड़ी बनेगी। अब पकौड़ी फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम कर लिए हैं। हम सरसों तेल में पकौड़ी बना रहे हैं। पकौड़ी सरसों तेल में ही अच्छा लगता है, इसीलिए पकौड़ी सरसों तेल में ही बनाइए। तेल हम पहले गरम कर लिए थे। अब एक एक करके तेल में पकौड़ी डाल देंगे फ्राई होने के लिए। लट्टे पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। पकौड़ी फ्राई हो गया है गोल्डन ब्राउन। ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया पकौड़ी बन के तैयार हुआ है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कैसा बना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक पकौड़ी को तोड़ कर दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है और क्रिस्पी भी। आप इस तरह से पकौड़ी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब सर्व कर लेते हैं। अब एंजॉय करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।